हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोग के पास बहुत ही जुगाड़ू आइडिया लेके आई हूँ। अगर आप लोग के पास भी ऐसा एक साड़ी है जो साइड में रफल वाला है तो कम मेहनत लगेगा, अगर नहीं है रफल वाला तो कोई बात नहीं, आप लोग रफल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे किचन के लिए कर्टन बना रही हूँ, ऐसे ही मेरा ओपन है तो बहुत ही गंदा लगता है, कुछ भी गिरता है तो सारा डस्ट और पानी मिल के पूरा एकदम चिपक जाता है, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ना अपना किचन से मेज़र कर ली कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है, उसके हिसाब से मैं उसको कट कर ली। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो अपने किचन से ही नाप ले लो जो नापने वाला होता है उससे, ताकि ज़्यादा आसानी हो। तो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, और आप लोग ने देखा होगा कि आगे पे ना थोड़ा बहुत होता है जिसपे प्लेन होता है, तो ये मैं ना पीछे का पल्लू का जो रफल था उसको कट करके मैं यहाँ पे स्टिच कर दी थी, और मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके थोड़ा सा मैं इसको भी स्टिच कर रही हूँ, ताकि मैं वो जो वायर है उसको अच्छे से इजी होके अंदर चला जाए। तो ये रहा मेरा, साड़ी तो कंप्लीट हो गया था, तो साड़ी था प्लेन, तो मैं सोची चलो इस पर थोड़ा टेसल यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे उलन ले ली और उसको मैं इस तरह से मैं बहुत सारा मैं बना लूँगी, ताकि इसको मैं अच्छे से उस पर स्टिच कर सकूँ। आप लोग चाहो तो ग्लू गन से भी उसको चिपका सकते हो, पर मैं सोची कि स्टिच किया हुआ मैं ज़्यादा अच्छे से रहेगा, जब हो सकता है तो क्यों ना करूँ। तो ये थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा था तो मैं इसको थोड़ा आयरन कर रही थी ताकि ये पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाए, और मैं इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैं सीजर की हेल्प से कट करके मैं निकाल दूँगी और मैं थोड़ा कॉम कर लूँगी इस पर, तो अच्छे से ये पूरा सुंदर दिखे। इसी तरह मैं सारे में कर ली थी। अब मैं साड़ी को ना मैं तीन भाग में कट की थी, क्योंकि क्या है कि मैं एक सिंगल भी ऐसे लगा सकती हूँ, पर जैसे कुछ सामान निकालना हो तो पूरा ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इस वजह से जहाँ का सामान जैसे निकालना हो उस जगह का थोड़ा साइड करो फिर निकाल लो, इस ऐसे करके मैं तीन पार्ट में मैं बनाई। तो मैं यहाँ पे सुई धागा की हेल्प से इसको स्टिच कर रही थी ताकि ये निकल ना जाए करके, अच्छे से मैं टाइट होके मैं बांध दे रही थी। और मैं आप लोग को फाइनल लुक में दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा था, मतलब ग्रे कलर में ये पिंक कलर गजब ही खिल रहा था। तो ये देखिए, एक पार्ट का मेरा रेडी हो चुका है और दो पार्ट मैं उससे पहले ही रेडी कर चुकी थी। और ये है जो वायर, ये दुकान में मिल जाता है, 10 रुपये का भी मिलता है, ये 20 रुपये का भी। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग को मैं दिखाऊंगी। इतना प्यारा लग रहा था ना मेरे को, मतलब मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये कर्टन बहुत ही कम बजट में तैयार हुआ है, आप लोग को कैसा लगा ये डिज़ाइन? ये डिज़ाइन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे को फॉलो करें ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।